माजरत के साथ, वीडियो तो इतनी अच्छी शायद ना बने क्योंकि शेड में थोड़ा अंधेरा सा है। ये काउज मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक्साइटेड देखें कितने हैं, किस वजह से, वो इस वजह से पराली बिछाई है, अभी 3 से 4 इंच मोटी तय बिछाई है, उस पर बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, ये खेलते हैं, ये देखें ठंड से बच, ये देखें बाहर भाग गए हैं, बाहर से फिर अंदर आ जाएंगे, खुश हो रहे हैं इस वक्त, बड़े एक्साइटेड है। ये देखें अभी दूध पी के आए हैं, बाहर ठंड है काफ़ी है, इस वजह से असर के बबाद फ़ौरन बाद ही 3 से 4 इंच की मोटी तय बिछा देते हैं पराली की, ताकि काव जो है उसके ऊपर आगे बैठना शुरू कर दें। जैसे ही पराली की तय बिछाते हैं, बच्चे ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। अभी फिर अंदर की तरफ आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे खुले रहते हैं, ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। ये देखिए ये देखें, ये बता रहे हैं इनका पेट भरा हुआ है। अभी ये थक हार के जब बैठ जाएंगे फिर रिलैक्स होते हैं, फिर पराली पे सुकून से बैठते हैं। सिर्फ एक ही आखिरी महीना है जो थोड़ा सख्त है, खुश्क सर्दी पड़ रही है अच्छी खासी, तो कोशिश करें कि बच्चों को ठंड ना लगने दें। ठंड इस तरह के रात को जब भी आप बच्चे जहाँ भी रखें ना, एक तो नीचे जगह खुश्क हो, अगर पक्की जगह है तो फिर नीचे लाजमी है कि पराली बिछाएं, और उसके अलावा कच्ची जगह है वो तो वैसे ही बेहतर है, कच्ची जगह क्योंकि गर्म जल्दी हो जाती है, ठंड नहीं लगती। और दूसरा, डायरेक्ट हवा ना लगने दें बच्चों को, डायरेक्ट हवा जब लगेगी तो नमूनिया जो है बड़ा ख़तरनाक है, वो ठंड से फिर डायरिया भी लगता है बच्चों को, जैसे ही डायरिया लगता है डिहाइड्रेशन होती है, पानी निकल जाता है, कमज़ोरी वैसे हो जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम बनती है। ये देखिए अब ये करीब आना चाह रहे हैं मेरे, ये सारे इंसेमिनेशन की है प्रोजनी, मतलब है कि बीज जो रखते हैं
टीके गए हैं बच्चे सारे माशाल्लाह, ढाई ढाई 3 महीने के, कोई इससे कम के हैं, कोई 1.5 महीने का, कोई 2 का। एक्चुअली बच्चों की फीडिंग के बारे में पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो वो अच्छा भी नहीं लगता बार बार रिपीट करते हैं। जस्ट आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें बच्चे खुश खुश कितने हैं आज, अल्लाह मियाँ नजर बस से बचाए। ये फिर आएंगे इधर से, इनके मुंह चेक करें भी, सांस फूल गई इनकी भाग भाग के। ये देख, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग काव्स या कोई झोटी या कोई भैंस वगैरह सेल करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारा जो फार्म है ना गवर्नमेंट लाइव स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन भुने की, हम यहाँ से कोई भी जानवर सेल नहीं कर सकते। फिर पूछते हैं वो ब्रीडिंग के लिए कोई कट्टा मिल जाएगा अच्छा सा, वो भी तब मिलते हैं जब अवेलेबल हों, वो मेरे पास नहीं काफ रेजिंग सेंटर, उसके चार दूसरे हैं वहाँ से मिलेंगे। फार्म से हम कोई भी जानवर सेल नहीं कर सकते, ना ही गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी है। ये देखें माशाल्लाह, ये दो दो सवा दो दो महीने की कटी हैं सारी, ये 3 महीने की कटी है, बहुत ज़बरदस्त है। काव्ज अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं, और मैं तो इसका सारा क्रेडिट देता हूँ हमारे जो साहब का सेक्रेटरी थे लाइव स्टॉक के, नसीम सादक साहब, उनकी गाइडेंस थी, तो तब से हमने ये काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले चार साल से काव्ज ऐसे ही होते हैं हर साल हमारे पास, प्रोजनी जितनी भी होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, और झोटियां हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 24 महीने तक तो पहुंचती नहीं है ना, उससे पहले इंसेमिनेशन हो जाती है, 16 से 22 महीने के दरमियान झोटियां जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपकी फीडिंग आपकी मैनेजमेंट वो बेहतर हो। नौकर के सर पे फार्म ना छोड़ें, ख़ुद निगरानी करते रहें, तो फिर आपके भी जानवर ऐसे हो सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। असल मसला तब पैदा होता है जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो उसके ज़िम्मे लगा देते हैं कि वो ये काम करेगा। लाइव स्टॉक का काम नौकर के सर पे नहीं होता, वो आपको ख़ुद टाइम देना पड़ता है, चाहे फैटनिंग का या मिल्किंग का। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जितनी अच्छी सेहत है इन बच्चों की, तो मेरे ख्याल से ठंड का कोई असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह जब मिल्किंग के वक्त आते हैं ग्वाले, उस वक्त काव्ज खुद ही बाहर निकले होते हैं, ये इधर गेट पे जमा हो जाते हैं, इन्हें पता होता है कि फीडिंग का टाइम हो गया, तो ठंड कोई असर नहीं करती। अब जैसे ही सर्दी ख़त्म होगी, फरवरी का तकरीबन आधा महीना ख़त्म होगा, उसके बाद हम ना इनके शेयरिंग शुरू करा देंगे, शेयरिंग मतलब इनके बाल साफ़ करने शुरू करवा देंगे, क्योंकि इन दिनों में टिक्स प्रॉब्लम चीचड़ वगैरह ज़्यादा लगते हैं थोड़े, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है, एहतियातन फिर हम शेयरिंग करवा देते हैं। सिर्फ एक यही आखिरी महीना है जो थोड़ा सख्त है, खुश्क सर्दी पड़ रही है अच्छी खासी, तो कोशिश करें कि बच्चों को ठंड ना लगने दें। ठंड इस तरह के रात को जब भी आप बच्चे जहाँ भी रखें ना, एक तो नीचे जगह खुश्क हो, अगर पक्की जगह है तो फिर नीचे लाजमी है कि पराली बिछाएं, और उसके अलावा कच्ची जगह है वो तो वैसे ही बेहतर है, कच्ची जगह क्योंकि गर्म जल्दी हो जाती है, ठंड नहीं लगती। और दूसरा डायरेक्ट हवा ना लगने दें बच्चों को, डायरेक्ट हवा जब लगेगी
तो नमूनिया जो है बड़ा ख़तरनाक है, वो ठंड से फिर डायरिया भी लगता है बच्चों को। जैसे ही डायरिया लगता है, डिहाइड्रेशन होती है, पानी निकल जाता है, कमज़ोरी वैसे हो जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम बनती है। ये देखें, अब ये करीब आना चाह रहे हैं मेरे।